दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। एक लग्जरियर और मॉडर्न हाउस प्लान है ये, और इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका अगर हम एरिया की बात करें तो 36x36 फिट में ये पूरा मॉडल मैंने क्रिएट किया। इसमें कार पार्किंग, बेडरूम्स वगैरह, और डबल स्टोरी हाउस प्लान है। यहाँ पर अगर बात करें मॉडल की तो ये फ्रंट में ओपन है और साइड में भी, यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर ये एरिया छोड़ा है जिससे आपको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन घर में मिल सके। आगे का गेट की बात करें तो आगे आपका एक नॉर्मल सा गेट देखने को मिलता है, बाउंड्री देखने को मिलता है, स्लोप और एक बेहतरीन से डिजाइन आपको आज हम डिस्कस करेंगे 36x36 के प्लान में। यदि मॉडल को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ तो इसके आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिलता है। बेहतरीन सा मॉडल होने की बजाय आपको ये बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा होगा। तो चलो इस मॉडल को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस मॉडल को डिस्कस करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्ट हाउस प्लान को, तो प्लीज़ ज़रूर करें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों स्मार्ट हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले जब भी समय में आप घर अपना बनवाएँ तो आप एक बार यहाँ विजिट करेंगे तो आपको एक घर का नया लुक, नया आइडिया मिलेगा और आप अपने घर को उसी तरीके से डिजाइन करा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है 36x36 फिट में, उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ अगर इसके हम फ्रंट एलिवेशन के, तो आपको देखिए टॉप क्लास का फ्रंट एलिवेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिएगा फ्रंट एलिवेशन ये है, जिसमें ये मेन डोर है, यहाँ स्लोप दिया है मैंने, और इसका ये आपकी बाउंड्री एरिया है। यहाँ पर मैंने कुछ पेड़ वगैरह लगा रखे हैं। मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको देखिए पार्किंग एक बारंदा टाइप का मिलता है, और एक बड़ी सी पार्किंग मिलती है जिसमें अपने आप फोर व्हीलर बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। इसके बाद आपको इधर लेफ्ट हैंड से मैं डिस्कस करूँगा, ये देखिए डिजाइनिंग के पर्पज़ से मैंने कलर कॉम्बिनेशन दिया, एक विंडो दिया है और ये एक डोर दिया है जिसको गेस्ट रूम जिसे बोल सकते हैं या बेडरूम बोल सकते हैं। इस बेडरूम एंट्री के लिए फ्रंट में जो बेडरूम क्रिएट किया है, इसलिए एंट्री के लिए मैंने एक बाहर से भी डोर दिया है। आप यहाँ पर आ पाएंगे और इस बेडरूम से अंदर भी जा पाएंगे। इसके बाद इसके जस्ट साइड में आपको एक बेडरूम और मिलता है, उसमें फ्रंट में ये देखिए विंडो दिया है और यहाँ पर मैंने टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट दिया है। इसके बाद साइड में भी विंडो दिया है। इस रूम में जाने के लिए आपको मैंने बाहर से कोई भी डोर नहीं दिया है, आपको इस गैलरी से होकर जाना पड़ेगा और इस वाले डोर से आप एंट्री करेंगे, जो कि आप आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में। और डाइनिंग हॉल से ही मैंने इस वाले बेडरूम में एंट्री दी है, साथ साथ ये लेटेंट बाथ है इसमें भी एंट्री दी है, और इस जो फ्रंट में बेडरूम था उसमें भी डाइनिंग हॉल से एंट्री है। और इधर आपकी स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर जा पाएंगे, ये पूरा बड़ा सा डाइनिंग हॉल है। इसके बाद इस कॉर्नर पर मैंने बड़ा सा किचन क्रिएट किया है, किचन में जाने के लिए डाइनिंग हॉल से गेट है और फ्रंट से ये देखिएगा विंडो जिससे वेंटिलेशन हो सके, और डाइनिंग हॉल से बेडरूम मतलब कि डोर। तो एंट्री की अगर बात करें तो आप अगर मेन घर में जाना चाहते हैं तो आप इस बेडरूम से जा सकते हैं, या इस वाले डोर से जाकर डाइनिंग हॉल में जाकर आप सभी दोनों बेडरूम को एक्सेस कर पाएंगे, दोनों बेडरूम में जा पाएंगे, लेटरिन बाथ में जा पाएंगे और किचन में जा पाएंगे। 36x36 में पार्किंग की वजह से मैंने दो बेडरूम ही क्रिएट किए हैं, बाकी पार्किंग, किचन, लेटरिन बाथ और डाइनिंग हॉल और स्टेयर्स, जो कि आपको काफ़ी बड़ा सा डाइनिंग हॉल भी मिलता है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन था जो आपको मैंने डिस्कस किया। वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर ये पार्किंग वाली जगह चारों तरफ से विंडो दे रखा है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी, फ्रंट एलिवेशन आप देख पा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का प्रॉपर तरीके से, आप गेट वगैरह। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो बेडरूम की बात करें तो बिल्कुल सेम बेडरूम वही जो नीचे वाला मैप था, सिमिलर बिल्कुल वैसा ही है, और दोनों बेडरूम वही लेटरिन बाथ, स्टेयर, डाइनिंग हॉल और किचन। और आपका बस ये बालकनी मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट कर दी, ये आपकी जो बालकनी है ये देखिएगा बालकनी चारों तरफ मैंने बना दी है, और ये आपका डिजाइनिंग के तौर पर एक पैनल यूज किया है, और यहाँ भी कलर कॉम्बिनेशन यूज किया डिजाइनिंग की वजह से, ग्रिल जो इस्तेमाल की उसमें भी देखिए डिजाइनिंग के तौर पर काफ़ी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। और ये आपका जो गांव में कफरेल टाइप का होता है उसका डिजाइन यहाँ पर दिया है बीम में प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपको घर को एक खूबसूरत सा डिजाइन फ्रंट एलिवेशन लगे। इस वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें डिजाइनिंग के पर्पज़ से क्रिएट की हैं, और बाद बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं ग्राउंड फ्लोर की तरीके से। वहीं अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी,
चारों तरफ ग्रिल इस्तेमाल कर दिया। देखिए 3.5 फीट का बाउंड्री और आगे ग्रिल, और उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग के तौर पर स्पार्क वगैरह यूज कर लिए, इसमें आपका घर का लुक और बेहतरीन लगे। बाद में ये छत बना दिया, ओवरऑल 36x36 फीट में ये मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, और ये मॉडल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताया करें। चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोग हैं वीडियो देख कर चले जाते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप लाल वाले कल बटन पे क्लिक करके, इसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।